फाइनली हम लोग टिप एंड टॉप आ चुके हैं जो लैंसडाउन में है, जो सबको पता ही होगा। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, जो आगे चलो दिखाते हैं। ये रूम टूर देंगे आपका भी, ये रूम है। ये बाथरूम जो मिला है। हाय फ्रेंड्स, मैं जिस अभी होटल में रुका हूँ उसका जो व्यू है अब बहुत अल्टीमेट व्यू है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जो व्यू दिखाने वाला बहुत प्यारा व्यू है। प्यारा व्यू है, मेरे होटल से दिख रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। देख रहे कितना प्यारा सा व्यू दिख रहा है। अभी तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको, बस आप व्यू देखते रहिए। हम लोग पहुंच तो गए, अब टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। बहुत भूख लगा हुआ है, तो मैक्स भैया आते ही काम करने लग गए। क्यों इतना काम करते हैं? अच्छा, तो मैक्स भैया देखिए काम कर रहे हैं। और ये रहा नाश्ता आज का जो भी करने वाले हैं। ये हो गया टी, ऑमलेट, और ये देख रहे हैं पराठा, और ये हो गया सैंडविच। नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो लोग आते हैं इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ताकेश्वर का मंदिर है। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। देख रहे कितना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। ये मेरे होटल का टॉप व्यू है, टेरेस पर मैं गया हूँ अभी, वहाँ का व्यू देख रहे कितना प्यारा व्यू है। मैं तो ये तो ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग शिमला या फिर मसूरी जाते हैं लैंसडाउन जरूर जाइए, विज़िट कीजिए। बहुत सुंदर जगह है, देख रहे हैं कितना सुंदर जगह है, मतलब पूरा नेचर है। मैंने तो तुंगनाथ गया, इस समय अभी लैंसडाउन में हूँ। मैं आपको एक बताऊँगा कि जितना आप करीब नेचर के पास जाएगा उतना आपको काफ़ी सुंदर लगेगा। और आज सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आज काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हूँ क्योंकि मैं पूरा नेचर के बीच में, मैं चाहता हूँ नेचर नेचर है। एंजॉय कीजिए, मैं तो ये कहूँगा आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए, या आपको भी आना तो आप भी आइए नेचर के बीचों बीच, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग रेडी हो गए, अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए और जाएँगे टिप एंड टॉप जो भी यहाँ के जो प्लेसेस है घूमने का वहाँ हम लोग जाएँगे। और नहा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं, बस निकलते हैं और मिलते हैं सीधा पॉइंट पर। बस दिखते रहिए, मैं बोला इन्जॉय कर दे रही है। अच्छा प्यारा व्यू, और देखिए यहाँ से फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए भाभी पोज दे रही है, और ये देखिए इनके पति देव जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। यही होता शादी के बाद, यही होता शादी के बाद। दोनों शर्मा आ गए। ये देखिए भाभी की सब पोज दिया जा रहा है, और ये देखिए पति देव इनके। देखिए बोले खींचो, अगर भैया को फोटो ना खींचे तो, अगर ना खींचे तो क्या इनका क्या हाल होगा। ये ना ये गहरा दिख रहा है जितना, ये गहराई जितनी वो धुआं पड़ा मिलेगा भैया ऐसा। अरे उसको कहना मतलब हम नीचे जाएंगे, हम लेटेंगे फिर फोटो खींचेंगे। हाँ वहाँ से फोटो खींचेंगे नीचे, वहाँ भी जाके नीचे, वहाँ नीचे जाके भी फोटो खींचेंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है शादी के बाद, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फेंकने की बात नहीं हुई है। अच्छा फोटो मतलब फोटो खींचना है अल्टीमेट। खाने का ऑर्डर कर रही है, पूछते हैं अभी भाभी ने क्या क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं किया है फ़ोन कटने के बाद। जी अब क्या ऑर्डर किया बताइए, ज़्यादा जानना चाहती है। भूख लगाओ क्या आपको बहुत ज़्यादा कस के? अब भूत लग गया, भूत पकड़ लिया क्या आपको? अच्छा अच्छा, हमने 12 रोटी मंगाई है, तो 12 रोटी आप खाइएगा, पूरा अकेले खाइएगा? नहीं, सब लोग खाएंगे। नहीं आप खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप बताइए, तो 2 ही रोटी है मेरी तो। सो सैड। और एक रायता है हमारा, टमाटो अनियन। अच्छा देखते हैं अच्छा लग रहा है। और एक हांडी चिकन मंगाया है। अच्छा, और दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। तो आप चिकन ही खा रहे हैं? चिकन तो खाऊंगी ना, हांडी चिकन। अरे हांडी चिकन खा रहे हैं, वो भी हाफ मंगाई है मैंने। अच्छा तू तो खा नहीं रहा। हाँ मैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ चलते हैं। खाना आ चुका है, ये कुछ है रोटी, और ये नॉनवेज में पनीर है, दाल मखनी है, और ये रायता है। भाभी भूख लग गया? हाँ अब तो लगी गई। तो हम लोग बस जा रहे हैं अभी इंजॉय करने, तो आप लोग वहीं पे मिलेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ कितना लोग कवर कर पाते हैं, कितना कवर नहीं कर पाते हैं।
हम लोग बस इसी होटल में रुके हुए हैं, यहाँ पे होटल हिमालयन व्यू। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ आप लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बुरा है, अच्छा है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। आइए कभी और स्टे कीजिए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए। अभी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो देखिए और इंजॉय कीजिए, वो शायद आप लोग सबको पता होगा। वेलकम टू गढ़वाल राइफल्स, ये है यहाँ से एंट्री। इसके पीछे जो गया वो था लैंसडाउन का एंट्री। देखिए हम लोग चलते हैं अब। मैं फुल रेडी हो गया हूँ जाने के लिए टिप एंड टॉप। यहाँ का लैंसडाउन का सबसे अच्छा बोला जाता है, व्यू पॉइंट बोला जाता है, तो वहाँ जाके देखते कैसा है कैसा नहीं है, और आप लोग बस इन्जॉय कीजिए उस व्यू का। फाइनली हम लोग टिप एंड टॉप आ चुके हैं जो लैंसडाउन में है, जो आप सबको पता ही होगा। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, जो आगे चलो दिखाते हैं। यहाँ से टिप एंड टॉप का स्टार्टिंग है, टिप एंड टॉप का टिकट कॉर्नर। तो आप देखते टिकट लेते, चार टिकट लेना है मुझे, चार टिकट दे दे भैया। ज़्यादा टाइम नहीं है, कितना देर है? 5 मिनट का टाइम है बस। बस हम तो क्लोज ही कर रहे थे, हिसाब कर रहे थे। ये टिकट मुझे मिल चुका है, कितने की टिकट है ये देख सकते हैं। टिकट मिल गया, एक टिकट 20-20 पर टिकट एक है। मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अभी जो बज रहा है 5:15 हो रहा है, तो मतलब आई थिंक अगर आपको आना है, अगर टिप एंड टॉप आते हैं तो मैं आपको सबसे जरूरी सूचना देते हैं, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे क्लोजिंग जो टाइम है वो है 5:30, तो उससे पहले आप लोग आ जाइए। टिप एंड टॉप का जो व्यू है, यहाँ से वो रास्ता जाता है टिप एंड टॉप का, आप देख रहे हैं ये रास्ता है टिप एंड टॉप जाने का। और ये देखिए यहाँ से प्यारा सा व्यू, जो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा सा व्यू है। लैंसडाउन का सबसे फेमस यही है टिप एंड टॉप, जो बहुत सुंदर है। भाभी आप बताइए, इतना लेट हम लोग हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, जाएंगे और वापस आ जाएंगे। भैया जल्दी बताइए भैया, आप 5 मिनट टाइम मिला हम लोग को घूमने का। 5 मिनट बहुत है, बहुत है, घूम के दिखाएंगे। और मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट में, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो जो अच्छा अच्छा लोकेशन है टिप एंड टॉप का वो मैं आपको दिखा दूंगा। टिप एंड टॉप का ये है, कितना प्यारा सा व्यू है, देखो सनसेट हो रहा है टिप एंड टॉप में, बहुत सुंदर सा व्यू है, देख रहे हैं। अगर आप लोग आना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोग मॉर्निंग में आए, इवनिंग में आना है तो after 3 आए, क्योंकि 5:30 में क्लोज हो जाता है। देखिए ये है वो टिप एंड टॉप का व्यू, जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से आपको व्यू दिखाने वाला हूँ टिप एंड टॉप का, जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है टिप एंड टॉप लैंसडाउन में। देखिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो व्यू टिप एंड टॉप का, एंड मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ डोंट थ्रो प्लास्टिक हियर, क्यों नेचर को गंदा ना करें। द व्यू ऑफ टिप एंड टॉप, देखिए कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है। बेसिकली यही टिप एंड टॉप का जो व्यू है, जहाँ के लिए लोग आते हैं इतना दूर से देखने के लिए, जो मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू दिखा रहा हूँ। अभी मेरे साथ है भाभी, तो वो थोड़ा बताएगी टिप एंड टॉप के बारे में और कैसा उन्हें लगा नहीं लगा। और उनके पति देव भी आ रहे हैं, मैक्स प्रताप, आइए 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 सर, आप भी आइए ज्वाइन कीजिए। तो बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा अभी तक? तो मज़ेदार,
बाकी कल का इंतजार है। आप बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बर्थ है ना, आपको हर एक पॉइंट दिख जाएगा, हर एक माउंटेन का हर एक पीक दिख जाएगा यहाँ पे। सारे पॉइंट छोड़ो बट डिफरेंट टॉप में छोड़ो। हाँ एकदम सही बर्थ है। देख रहे ये है टिप एंड टॉप, इसी रास्ते से टिप एंड टॉप आए थे। देख रहे रास्ता, इसी रास्ते से टिप एंड टॉप आए थे। और जो बीच बीच में बहुत सारा ये यहाँ पे आर्मी का है, कैंप है वो आप, मैं आपको वीडियो में डाल दिया हूँ, अब देख लेना। ये कुछ आसिक भी होते हैं जो इस तरह से हरकत करते हैं, क्या उनमें से आपको आसिक है अपना नाम देख लें, अगर है तो बताएं प्लीज़। ये देखिए आसिक ही चल रहा है यहाँ पे, हम लोग टिप एंड टॉप से निकल रहे हैं। अच्छा लगा वहाँ पे घूम कर, फिर का फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए आप लोग के लिए, व्यू अच्छा अच्छा था। तो आइए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, फैमिली के साथ, अच्छा है। हाँ बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। ये भी एक पॉइंट है, छूट गया था तो सोचा चलो मैं जाते वक्त वो देख कवर कर दूँ ये पॉइंट। वैसे मैंने सारा पॉइंट यहाँ कवर किया है। अब हम बस यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। टिप एंड टॉप का जर्नी यहीं पे समाप्त होता है। देखते बने रहिए इस ब्लॉग में, और कुछ और इंटरेस्टिंग रहा तो फिर और भी दिखाएंगे आप लोगों को। बस बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ, बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकेंड विद राइकर। तो कैसे है, सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। तो अभी मैं छत पे हूँ, टेरेस पे हूँ, और बस थोड़ी देर में बॉन फायर होने वाला है। तो ये होटल की तरफ से है, देखते कैसा है, नहीं है। और मेरे साथ भाभी भैया सब रहेंगे, तो सब इन्जॉय करेंगे। तो आप लोग भी इन्जॉय कीजिए साथ साथ में।